भारतीय क्रिकेट टीम में तेज गेंदबाज की कमी हमेशा से महसूस की गई है। टीम में कई तेज गेंदबाज आए तो, लेकिन समय के साथ साथ उनकी स्पीड कम होती चली गई या फिर किसी न किसी वजह से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारतीय टीम के एक तेज गेंदबाज से दुनिया भर के बल्लेबाज थर थर कांपते थे। आज टीम इंडिया के फैंस करोड़ों में हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के सबसे पहले तेज गेंदबाज कौन थे जिसके सामने अंग्रेज बल्लेबाज भी आने से डरते थे? अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप डेली न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। बात हो रही भारत के पहले तेज गेंदबाज की, जिसका नाम था मोहम्मद निसार। टीम इंडिया ने सी के नायडू की कप्तानी में 1932 में पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेला था। भारत की तरफ से मोहम्मद निसार ऐसे पहले गेंदबाज थे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में तेज गेंदबाजी की थी। इस मुकाबले में भले ही टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन मोहम्मद निसार ने अपनी तेज गेंदबाजी से अंग्रेजी बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा दिए थे और उन्होंने इस मुकाबले में 5 विकेट अपने नाम किए थे। मोहम्मद निसार ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में कुल 6 टेस्ट मैच खेले थे जिसमें उन्होंने 25 विकेट चटकाए थे। 13 ऐसे मौके भी आए जब निसार ने बल्लेबाजों को LPW आउट किया था। निसार ने 93 फर्स्ट क्लास मैचों में 396 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 32 बार पारी में 5 या उससे ज़्यादा विकेट भी हासिल किए थे। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सी के नायडू ने अपने एक लेख में बताया था कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हेराल्ड लारवुड से भी तेज गेंदबाजी मोहम्मद निसार ने अपने पहले टेस्ट मैच में की थी। कहा जाता है कि 1932 के बाद से आज तक उनके जैसा तेज गेंदबाज भारतीय टीम में नहीं आया। मोहम्मद निसार भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन भारत चाहता था कि वो भारत में ही रहकर देश के लिए खेलें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्थापना मोहम्मद निसार ने ही की थी। निसार क्रिकेट के इतने दीवाने थे कि वो यात्रा के समय अपने साथ क्रिकेट किट रखते थे। 1963 में एक दिन यात्रा के दौरान उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हो गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फेवरेट तेज गेंदबाज का नाम कमेंट में जरूर लिखें।